ललितपुर में किसानों द्वारा आग जलाने के 8 मामले सामने आए थे, जिसकी रिपोर्ट सरकार द्वारा जिला प्रशासन को भेजकर मामलों को निस्तारित करने के निर्देश भी दिए गए थे। इन मामलों को जिला अधिकारी योगेश कुमार शुक्ल ने संज्ञान में लेकर चिन्हित स्थानों पर जाकर जांच की थी। वहीं आपको बता दें कि 8 मामले सामने आए थे, जिसमें 2 मामले बढ़ती ठंड के निजात पाने के लिए ग्रामीणों द्वारा आग जलाने का मामला सामने आया था। वहीं तीसरा मामला खेत में बने टपरे में भोजन का पकाया जा रहा था, जिस कारण संज्ञान में आया था। चौथा और पांचवें मामले में तहसील तालबहट के अंतर्गत 2 अलग अलग गांव में खेत की खरपतवार झाड़ियों को जलाने का मामला सामने आया था। जांच के बाद किसानों के नाम स्पष्ट हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन द्वारा दोनों ही किसानों पर FRI दर्ज कराई गई है।